आज हम दोस्त एक ऑर्बिट में घूम रहे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी वाला फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए दोस्त, ये हो गया हमारा एटम, और एटम के सेंट्रल पार्ट को बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर के रास्ता को सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल बोलते हैं। तो इसी सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल में हमारा इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो इस घूम रहे इलेक्ट्रॉन का आखिर वेलोसिटी कितना होगा, तो उसी वेलोसिटी को निकालने वाला हम लोग फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। देखिए दोस्तों, टॉपिक है हमारा एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। एक ऑर्बिट में घूम रहे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला। फ्रॉम बोहर एटॉमिक थ्योरी वी हैव, बोहर एटॉमिक थ्योरी से हम लोग के पास है एक झकास फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारा दोस्त एम वी आर बराबर एन एच बटा टू पाई, जहां पर एम है हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास। वी हमारा दोस्त वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर है हमारा रेडियस ऑफ ऑर्बिट, एन है हमारा ऑर्बिट नंबर, एच है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, और पाई का वैल्यू हमारा 3.14। देखिए दोस्त, हमको वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी बराबर हो गया ऊपर में एन एच था, यहाँ पर लिख दिया एन एच, बटा में टू पाई था तो यहाँ पर लिख दिया टू पाई, और ये एम आर इस टू पाई के पास आ गया तो बन गया टू पाई एम आर। यहां पर इसको मानिए इक्वेशन नंबर वन। अब देखिए दोस्त, हम लोग के पास पहले से एक फॉर्मूला था रेडियस का, रेडियस बराबर होता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा फोर पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर टू मान रहे हैं, जहां पर r का मतलब हो गया दोस्त रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट के रेडियस को हम लोग स्मॉल r से लिखाते हैं, n हो गया ऑर्बिट नंबर, कक्ष की संख्या या कोस की संख्या, h हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई का वैल्यू 3.14, m है हमारा इलेक्ट्रॉन का मास, z है परमाणु संख्या, e है हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब देखिए दोस्त, इक्वेशन एक और इक्वेशन दो से हम लोग लिख सकते हैं, तो भी बराबर होंगे दोस्त एन एच बटा टू पाई एन, और आर की जगह पर लिखिए एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और ऊपर में लिखिए फोर पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। तो वेलोसिटी ऑफ एन एच ऑर्बिट देखिए दोस्त, यहाँ पर टू था तो दो दूना चार, एक पाई पाई स्क्वायर था तो एक पाई, इस एक पाई को हटा दिया, एन स्क्वायर था तो एक एन, इस एन को हटा दिया, एच का स्क्वायर तो एक एच, इस स्क्वायर को हटा दिया, एम है तो ऊपर में भी एम है तो ये एम एम हो गया हमारा कैंसल आउट। इन सारे वैल्यू को कैलकुलेट करने पर जो फॉर्मूला आ रहा है वह फॉर्मूला हमारा वेलोसिटी ऑफ एन एच ऑर्बिट बराबर टू पाई जे डी स्क्वायर बटा एन एच, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर थ्री, जहां पर पाई का वैल्यू 3.14, जेड है परमाणु का संख्या, ई है हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एन है हमारा ऑर्बिट नंबर, एच है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। इक्वेशन थ्री हमारा दोस्त जरूरी एक्सप्रेशन है वेलोसिटी के लिए, मतलब वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला के लिए आपको जरूरी एक्सप्रेशन हमारा ये है। अब देखिए दोस्त, पुट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इन इक्वेशन थ्री। अब सारे कॉन्स्टेंट टर्म को हम लोग पुट करने जा रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ एन एच ऑर्बिट बराबर हो गया दो गुना पाई का वैल्यू 3.14 है, जेड था तो जेड लिख दिए, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सीजीएस यूनिट में हमारा होता है दोस्त 4.8 गुना 10 का पावर -10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का स्क्वायर, एन था तो यहाँ एन लिख दिए, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू सीजीएस यूनिट में होता है हमारा 6.626 गुना 10 टू द पावर -27 अर्थ सेकेंड।
तो वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट बराबर हो गया z बटा a गुना 2.18 गुना 10 टू द पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखिए दोस्त, वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट बराबर हो गया z बटा a गुना 2.18 गुना 10 का पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह हमारे दोस्त वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला हो गया z बटा a गुना 2.18 गुना 10 का पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह हमारे दोस्त एक ऑर्बिट में घूम रहे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी वाला फॉर्मूला प्राप्त हो गया। तो दोस्त चीते की चाल बॉस की नजर और हिमांशु कुमार के सॉल्यूशन पर कभी शक नहीं किया।